बोखारा रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार की रात हुई दुर्घटना से कोहराम मच गया। एक मालगाड़ी अचानक ही रिवर्स चल पड़ी। इसी दौरान क्रॉसिंग पार कर रहे दो वाहन चालक ट्रेन की चपेट में आकर जख्मी हो गए। कोराडी पुलिस ने ट्रेन को लोको पायलट और क्रॉसिंग के गेटमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जख्मियों में महाकाली नगर मानेवाड़ा निवासी अमोल नारायण घरमारे उम्र 35 वर्ष और एक अन्य युवक का समावेश है। अमोल आदर्श संस्कार स्कूल में लिपिक है। सोमवार की रात 9:30 बजे के दौरान बुखारा जा रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय अचानक ही ट्रेन रिवर्स आने लगी। ट्रेन को अपनी तरफ आता देख वे घबरा गए, तुरंत कार से बाहर कूद गए। उनकी कार ट्रेन की चपेट में आ गई। कार को टक्कर लगने के बाद मोटरसाइकिल सवार भी ट्रैक पर ही फंस गया। वह भी बचने के लिए दूसरी तरफ कूदा। उसका वाहन भी ट्रेन के नीचे आ गया। काफी दूर तक दोनों वाहन ट्रैक पर ट्रेन के साथ घसीटते गए। वहां से कूदकर भागने के प्रयास में अमोल और बाइक सवार जख्मी हो गए। स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। कोराडी पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। दोनों की गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि 1 मिनट पहले ही ट्रेन वहां से क्रॉस हुई थी, अचानक ही रिवर्स आने लगी। पहले कार और फिर बाइक को टक्कर लगी। यदि समय पर अमोल और बाइक सवार कूदते नहीं तो हादसा भयानक हो सकता था। पुलिस का कहना है कि प्रकरण की जांच चल रही है। फिलहाल ट्रेन के लोको पायलट और गेटमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लोगों का कहना है कि हादसे के समय गेटमैन भी मौके पर मौजूद नहीं था। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।